शादी के लिए हाँ मत कीजिए जब तक कि मैं आपको गो अहेड ना दूं, क्योंकि अगर आगे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। तो तुम क्यों कर रहे हो जैनी मजीदा से शादी? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? छोड़ दिया, बल्कि छोड़ रहा हूं। आज तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते भी खत्म करता हूं। सलमान की वालदा से कल क्या बात हुई थी आपकी? बात क्या हुई थी? एक मिनट अम्मी, क्यों आपको मायदा भाभी ने नहीं बताया कि? वो तो आपको हर बात बताती है। मायदा अम्मी के साथ नहीं गई थी। हाँ, लेकिन अम्मी ने घर आके उनको सारी बात बता दी थी। तुम दो मिनट चुप रहोगी? मैं बात कर लूं अम्मी से। थैंक यू। आप बताइए अम्मी। मेरी बात हुई थी भाई, लेकिन रुबीना के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अब सलमान आज आके बात करेगा फरिया से? बात करेगा। फरिया, मसलों का हल निकालने के लिए कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करो। तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाह भाई, आप दोनों की तो सोच दिन ब दिन एक जैसी होती जा रही है। तो क्या बुराई है? ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, तुम छोड़ो इसकी बातों को, मैं खुद देख लूंगी इस मसले को। जाओ, तुम ऑफिस जाने की तैयारी करो। भाई क्यों बोलते हैं मेरी बातों में? अरे वो तुम्हारा भाई है, कोई गैर नहीं है। मैं बोलती हूँ उनकी बातों के बीच में? भाभी के किसी मसले में पड़ती हूँ मैं? बेटा वो परेशान है, फिक्रमंद है, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था। क्यों परेशान है वो? ये दुनिया का पहला वाकया है मंगनी टूटने का। अच्छा तुम बार बार ये लफ्ज मत बोला करो, मंगनी टूटने का, मंगनी टूटने का। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी तरफ से तो हो गया। फरिया, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करना। अच्छा क्या करेंगी आप? मुझे जान से मार देंगी या मुझे इस घर से निकाल देंगी? खुदा के लिए बस कर दो, पता नहीं तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो। जी आंटी, मैं सारा हूँ, सलमान की क्लास फेलो। अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो। वैसे तो मैंने तुम्हें तस्वीरों में देखा हुआ है। वो असल में दरअसल सलमान यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा और फोन भी नहीं उठा रहा, तो मैंने सोचा मैं ही चली आऊँ। चलो तुमने बहुत अच्छा किया कि घर आ गई, इसी बहाने मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा ये तो बताओ कि चाय पियोगी या कॉफी? अरे नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, बताओ ना। चले आप इतना कह रही हो तो चाय ले आए। अम्मी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अम्मी मैं जॉब कर लूँ? क्या ये ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आ गया? अम्मी नाराज तो मत हो। ये नाराज होने वाली बात है, तुम पढ़ाई करोगी या नौकरी करोगी? अम्मी मैं मैनेज कर लूंगी। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनो, तुम अपने भाई से पूछो, वो कोई एतराज ना करे। शायान भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, वो जो कहेगा वो ही कर ले। ठीक है। कैसे हो सलमान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दरअसल मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ, इसलिए अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकी। सारा तुम खुद को क्यों मुजरिम समझ रही हो? उस दिन जब तुम्हारी और फरीहा की लड़ाई हुई, उस दिन मुझे ही अकलमंदी का मुजाहिरा कर लेना चाहिए था। तुम लोग दोनों में से किसी एक को ही मैं समझा लेती। सारा इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। इट्स एक्चुअली फाइन। वैसे तुम्हारी और फरीहा के बीच में सब ठीक हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो मैं जाके उसको सॉरी बोल देती हूँ, उसकी गलतफहमियां दूर कर देती हूँ। नहीं सारा, उसकी जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच में सब ठीक है। अच्छा ठीक हो गया, ये तो अच्छी बात है। फरिया बेटा सलमान आया है। तो मैं क्या करूं?
तुम मिल लो उससे, बात कर लो जरा। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा आप जाएं, मैं आती हूँ। और देखो गुस्सा मत होना उस पे। मेरी जान, रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बोलोगी या नहीं? मैं क्या बोलूं? मुझे आंटी ने बताया था कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। व्हाट? अम्मी ने ये कहा है तुमसे? हाँ। क्यों? तुम्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी? उस दिन जो सब कुछ हुआ उस सब पर। सलमान तुम होश में तो हो ना? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे शर्मिंदगी क्यों होगी? क्यों मांगू मैं माफी? तो मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मुझे लगा तुम माफी मांगना चाहते हो। मैं तुमसे माफी मांगू किस बात की? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे थे इस बात की। फ्रीहा मैंने तुम्हारी गलत फहमी दूर करने का कोई ठेका नहीं उठा रखा है। मुझे तो लगा था कि उस वाक्य के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन तुम तो वैसे की वैसी हो। तुम्हें क्या लगा था सलमान कि तुम मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे दे मारोगे और मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी? तुम कभी भी नहीं बदलोगे। मैं क्यों बदलूं? मुझ में कोई कमी है क्या? तुम बदलो अपने आप को। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने अंदर और बर्दाश्त पैदा करूं और सब्र पैदा करूं? क्या मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त करने वाली चीज हूँ? उससे भी बढ़कर। निकलो, निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। फरीहा क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? आप इसे कह दे कि मैं नजरों के सामने से गायब हो जाऊं, दोबारा इस घर में मुझे नजर ना आइए। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मुझे यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा ठहरो, बात तो सुनो मेरी। नहीं आंटी बस, आपकी बेटी किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं है। शायद वक्त ही समझाए इसको। दफा यहाँ से। बेटा, अरे बेटा तुमने क्या कहा इससे? आपने से कहा कि मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ वो मुझे लगा कि तुम दोनों मिलोगे तो अपनी अपनी गलती मान लोगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और मैं बता रही हूँ आपको, दोबारा ही मुझे इस घर में नजर ना आए। अब कुछ बोलेगा भी ऐसे खामोश बैठा रहेगा? कुछ तो बता भाई, बात बनी या नहीं बनी? नहीं। मतलब ये कि मैं उससे मंगनी तोड़ा है? लेकिन वो तो पहले ही टूट चुकी थी। अब की बार सारे रिश्ते भी खत्म कराए। मोहब्बत का भी तेरा हम पे गिला है। फिर अब कहाँ जाना है? दूर करने के लिए सारे फोन कर। अस्सलाम वालेकुम खदीजा आपी। जी जी मैं ठीक हूँ। अली कहाँ है? सो रहा है? नहीं नहीं उठाएगा नहीं उसे, मैंने वैसे ही कॉल की थी।
सुबह में कर लूंगी। ठीक ठीक, खुदा हाफिज। डॉक्टर को बुलाओ अम्मी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारे दुख औलाद की तरफ से मिल रहे हो तो डॉक्टर क्या करेगा आके? क्या हो गया अम्मी? एक मंगनी तो ख़त्म हुई है, कौन सी मेरी शादी ख़त्म हो गई है? इतनी सी बात पे अपने आप को बीमार कर लिया, बिस्तर पे आ गई आप। तुम्हारी वजह से मैं बीमार हूँ, तुमने मुझे बीमार किया है। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी सलमान से बदतमीजी करने की? क्यों उससे ताल्लुक ख़त्म कर दिया? अम्मी, सलमान कोई इस दुनिया का आखिरी मर्द नहीं है, आप ही समझाएं ने। मैं अम्मी को क्या समझाऊं फरिया, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा तो आप यहाँ आग लगाने आई हैं? अरे तुम अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती हो? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, मैं उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती, सुन लिया आप लोगों ने? अम्मी आप फिक्र मत करें, शाम को हसीब आएंगे तो वो बात करेंगे फरिया से, शायद उनकी बात समझ जाए। सारा काम तो खराब कर चुकी, अब क्या समझ में आएगा इसकी? क्या हुआ, ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात हुई फरिया से? अच्छा मुझे तो इतना बता दो ना कि शादी के कार्ड्स का ऑर्डर दूं या कैंसिल कर दूं। कैंसिल कर दे। फ्रिया से आज मैंने अपना हर ताल्लुक खत्म कर दिया है। ये फैसला करने में तुमने कुछ देर लगा दी, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुमने सलमान से मंगनी ही खत्म कर दी? मैंने तो नहीं खत्म की मंगनी, उसी ने की थी, उसी ने एंगेजमेंट रिंग निकाल के मेरे हाथ में दे दी। तो क्या हुआ, गुस्से में इंसान कुछ भी करता है, तुम करती हो, मैं करता हूँ, अगर उसने कर दिया तो कौन सी कयामत आ गई? मैंने तो कभी गुस्से में ऐसी हरकत नहीं की। की है, तुमने सलमान से ये नहीं बोला था कि मेरी जिंदगी से चले जाओ? वो मुझे सब बता चुका है। अच्छा तो वो शख्स आपसे मेरी शिकायतें लगाता था? देखो जो भी है, अगर वो इंसान तुमसे मिलने आया था, तुमसे बात करने आया था, तो तुमने उससे बदतमीजी क्यों की, मुझे ही बताओ बस। क्योंकि वो चाहता था मैं उससे सॉरी बोलूं। तो कह देती ना सॉरी। क्यों क्यों बोलती मैं सॉरी? फरीहा अगर वो सख्ती कर रहा था तो तुम ही थोड़े लचक का मुजाहरा कर देती। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं, क्यों मैं नीचे गिरूं? फरीहा ये खुद को नीचे गिराना नहीं होता। मायदा भाभी प्लीज आप तो रहने ही दें, आप पता नहीं किस दुनिया से आई हैं, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। यानी तुम सलमान से अब शादी नहीं करना चाहती? नहीं। तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितना गलत फैसला कर रही हो? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मैं, क्योंकि उस शख्स के साथ मेरी जिंदगी वैसे भी जहन्नुम जैसी ही गुजरनी थी। फरिया तुम तो... मैं चाहती हूँ अब इस टॉपिक पे कोई बात ना। बाद में बात करते हैं, अल्लाह हाफिज। जी आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम हर वक्त फोन में बिजी रहती हो, किससे बातें कर रही हो? अपनी दोस्त से। नहीं देर तक? आपको कोई काम था? नहीं मैं तो बस बोर हो रही थी तो सोचा कि तुमसे कुछ बातें ही कर लूं। जी
बोली मैं सुन रही हूँ। वो जी ख्याल आया था कि तुम मेरा ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती आशा? किस लिए? बस ऐसे ही, घर में बोर होने से तो बेहतर है ना? आप हर वक्त मुझे अपनी नजरों के सामने रखना चाहती हैं ना? नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि मैं अच्छे से समझती हूँ आप। गलत समझती। ठीक है, लेकिन मैंने आपका ऑफिस ज्वाइन नहीं करना मामा। तुम्हें कोई काम थोड़े करना है वहां पे आयशा, तुम्हारा दिल लगा रहेगा बस। मैं अब घर में बोर नहीं होती। लेकिन मुझे भी तो बिजनेस में कुछ सपोर्ट चाहिए, कोई तो ऐसा हो जो मेरी भी हेल्प कर सके। मेरा कोई मूड नहीं है आपका ऑफिस ज्वाइन करने का, और मुझे तो समझ भी नहीं है इस काम की। मैं सिखा दूंगी तुम्हें मामा, प्लीज। ओके, ऑल राइट। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। हसी, आप प्लीज फरीहा से मजीद मत उलझें। क्यों? क्योंकि आप उसे समझाते हैं लेकिन वो बात का गलत मतलब निकाल लेती है, क्योंकि वो इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं है। वो मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं उसे समझाता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी फिक्र है। लेकिन वो ये नहीं समझती, वो समझती है कि आप उसे बहुत समझते हैं। वो गलत समझती है। और आप उसकी इस गलत सोच को ठीक नहीं कर सकते, बल्कि अब तो वो ये समझने लगी है कि मैं आपको भड़काती हूँ। समझ सकता हूँ मैं इस बात को। इसीलिए हसी, अब खामोश रहने में ही आफियत है। तो क्या ये रिश्ता खत्म हो चुका है? असल हकीकत ये है कि सलमान और फरीहा का रिश्ता खत्म हो चुका है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना, मैं निगहत बोल रही हूँ। जी, कैसे फ़ोन किया आपने? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे फ़ोन करने की वजह तो बताइए। वो मैं सोच रही थी कि अगर हम बड़े मिलके इस मसले का कोई हल निकाल लेते। ओह मेरे खुदाया, आप लोगों में तो कोई शर्म ही नहीं है, हाँ? किसी बात का एहसास भी है आप लोगों को? मेरा बेटा आपकी बेटी से तमाम रिश्ते खत्म कर चुका है, और आप हैं कि मुझे फोन कर रही हैं? रुबीना, कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ जैसे आपकी बेटी करती है। वैसे आपको तो अब इन बातों का आदि होना चाहिए। और सुनिए, आइंदा मुझे फोन करके तंग मत कीजिएगा। हेलो, बस हो गई थी मेरी, बार बार इंसल्ट कराना,
सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। अब और बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। अभी कुछ वक्त लगेगा तुझे सब भूलने का। मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह से मोहब्बत का रिश्ता खत्म हुआ है उसे भुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। काफी मैच्योर हो गया। गुड, वक्त ने कर दिया मेरे दोस्त। जी सर, समझ गया हूँ। सर वो हसीब भाई ने नहीं आना आज? नहीं, आज वो नहीं आएंगे, उन्होंने मुझे फोन पे इन्फॉर्म कर दिया था। मैंने उनके साथ एक मीटिंग पे जाना था। हाँ, इसके बारे में तो मुझे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं आज नहीं आ सकता, मसला हो गया। खैरियत? बस कुछ थोड़े से परेशान से लग रहे थे। वैसे उनकी परेशानी के बारे में मुझसे ज़्यादा तो आपको इल्म होना चाहिए भाई, आपके करीबी रिश्तेदार जो ठहरे हैं। नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ इल्म नहीं है, मैं घर जाके पूछ लूँगा। ओके। क्या हुआ सलमान, इतने उदास क्यों बैठे हो? जानती तो है। हाँ जानती हूँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि उदास क्यों। अगर उसकी वजह ये लड़की है तो रखा क्या था उसमें? यकीन करो मुझे तो एक आंख नहीं पाती थी, तुम ही उसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि तुमने ठीक वक्त पर ठीक फैसला किया। यकीन करो सलमान, मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अगर शादी के कार्ड छपकर बट भी चुके होते तब भी मैं तुम्हारे फैसले की हिमायत करती। फिर तो ठीक हुआ, आपकी ख्वाहिश जो पूरी होगी। लेकिन तुम खुद को कसूरवार ना समझो, वो लड़की गलत थी और देखना बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिर क्या फायदा? अरे सलमान, मुझे उसके फायदे से कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुम्हारा ये फायदा हुआ कि उस लड़की को अपनी जिंदगी में न शामिल करके तुमने खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। सच में माँ? बिल्कुल सच में, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं आ रहा क्या? वो लड़की तुम्हारे काबिल ही नहीं थी, इस बात को तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचना। क्या रिश्ता खत्म हो गया? जी अम्मी, घर में बहुत परेशानी चल रही है इस बात को लेकर। लेकिन बेटा वजह क्या बनी? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, घर आऊंगी तो बताऊंगी। बेटा अपनी सास से बात करवाओ, मैं अफसोस करूं? नहीं अम्मी, अभी नहीं, उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। हाँ बेटा, तबीयत कैसे ठीक होगी जिसकी बेटी की शादी होते होते रुक जाए। इसकी माँ की हालत का अंदाजा उससे ज्यादा किसको? ठीक है अम्मी, मैं फोन रखती हूँ, जरा अम्मी को जाके देख लूँ। अल्लाह हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। आशी, हेलो, तुम सुन तो रही हो ना मेरी बात? हाँ अली, मैं सुन रही हूँ तुम्हें। तुम कुछ बोल नहीं रही थी तो मुझे लगा कि शायद। नहीं, मैं तुम्हें सुन रही हूँ अली, बोलो। हाँ तो वो मैं क्या बता रहा था, हाँ कॉलेज का ग्रुप, फिर हम लोग साथ निकले गाड़ियों। अब आप क्यों पड़ गई अम्मी, कुछ तो हिम्मत करें, जो होना था वो हो गया। बेटा जो कुछ इस लड़की ने किया है उसके बाद कौन सी माँ ठीक रह सकती है? जब इसको खुद अपनी गलती का एहसास नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अरे सलमान की माँ तो पहले ही से यही चाहती थी कि रिश्ता खत्म हो जाए,
उनसे बात करना बिल्कुल बेकार है और सलमान पे दरवाजे इस लड़की ने बंद कर दिए। क्या इस लड़की को भी समझाएगा, बताएगा कि औरत का असल घर उसका ससुराल होता है, ये घर उसका नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि ये घर आपका है? फरिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये घर मेरे बाबा का है, मेरा जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लें और अपनी बीवी को भी समझा दें आपके लिए बेहतर होगा। शौक से रहो, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई नहीं कह रहा। कोई कह भी नहीं सकता। अगर आपको या आपकी बीवी को मुझसे कोई मसला है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अम्मी के लिए मैं काफी हूँ। इसी तरह तुमने सलमान की किसी बात का बड़ा बतंगड़ बना दिया होगा। आज मुझे इस बात का यकीन हो चला है, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही होगी। आप होते कौन है मुझे टॉन्ट करने वाले? मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप मेरा भला मत सोचें, अपना अच्छा बुरा मैं खुद समझ सकती हूँ। अपना अच्छा बुरा अगर तुम समझ सकती ना तो आज ये हालात पैदा ना होते। आप किस किस से मेरी शिकायतें लगाएंगी? एक ही दिन में इतनी भारी पड़ गई हूँ मैं आप पर। अरे बेटा, अगर बेटियां बोझ ना भी लगें फिर भी कौन घर में बिठा के रखता है उन्हें? हो जाएगी मेरी शादी, इतनी फिक्र मत करें आप। सलमान कोई ऐसा भी शहजादा नहीं था। शायान भाई, आपसे बात कर सकती हूँ? क्या बात है, आजकल बड़ी इजाजत ही जा रही है, बैठो। हाँ, मुझे लगा आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको तो इज्जत मिलनी चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी बहन बनती जा रही हैं आप आजकल। वो तो मैं पहले से ही थी। आपको पता है मायदा आपी की नन फरीहा, उनका रिश्ता खत्म हो गया। अच्छा, इसीलिए असीब भाई आज ऑफिस नहीं आए। और आपको पता है मायदा आप भी बता रही थी कि उनके घर पे बहुत परेशानी चल रही है। भाई, मुझे आपसे एक काम था। देखा, मैंने तो कहा ही था पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेरे कमरे में आए और आपको काम ना हो मुझसे। वो भाई, मैं जॉब करना चाहती हूँ। क्या जॉब? जी। तो अम्मी से बात करो, मुझसे क्या कह रही हो? अम्मी से पूछा था मैंने, उन्होंने कहा भाई से पूछो। हाँ? इसका मतलब है कि अम्मी मुझे इतनी अहमियत देने लगी है। अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ। खैर, कहाँ जॉब करोगी तुम? क्वालिफिकेशन देखी तुमने अपनी? भाई, एक्सपीरियंस हो तो जॉब मिल ही जाती है। अच्छा, तो मैडम एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगी आप? इंटर्नशिप करूंगी, वो तो आसानी से मिल जाएगी। हाँ, लेकिन इंटर्नशिप का मसला ये है कि 3-4 महीने वेस्ट हो जाते हैं और पैसे भी नहीं मिलते। सारी जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है कि 4-5 महीने बर्बाद हो जाए। अरे वाह, आप तो वाकई बड़ी समझदार होती जा रही हैं। वो तो मैं पहले से थी। आपके लिए चाय बना के लाऊं? मैं यही कहने लगा था अभी, जाओ फटाफट चाय बना के। ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो निगत, बेटी की शादी करने जा रही हो। मुझे तो निमरा ने उसी दिन बता दिया था जिस दिन तारीख तय हुई थी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही थी चल के मुबारकबाद दे आऊं, आज टाइम मिला तो फौरन आ गई। वो दरअसल फिरोजा, और तुम्हें पता है कल या परसों मैंने सलमान को भी देखा था, घर से निकल कर गाड़ी में बैठ रहा था। अरे अल्लाह नजरे बस से बचाए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लड़का है। हाँ, वो फिरोजा असल में बहुत खूबसूरत जोड़ी है दोनों की। वो फिरोजा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। निगम, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है। हाँ, ये तो है। अच्छा ये तो बताओ, शादी की डेट क्या फिक्स की है? अरे फिरोजा, मैं तुम्हें यही तो बताने जा रही थी कि हम फरिया की शादी नहीं कर रहे अभी। क्या मतलब, क्या कह रही हो निगम?
फरिया ने तो निमरा को खुद कहा था कि शादी की तारीख तय हो गई है। हाँ तारीख तो तय हो गई थी लेकिन अभी हम शादी नहीं कर रहे। क्या मतलब? वो दरअसल आप बता क्यों नहीं देती कि रिश्ता खत्म हो गया है? क्या रिश्ता खत्म हो गया? जी फिरोजा आंटी। लेकिन क्यों? अरे फिरोजा अब मैं क्या बताऊँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जा सकती, कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं। गलत फहमियाँ नहीं थी, वो लड़का धोखेबाज था, न जाने कितने अफेयर चलाए हुए थे उसने। अल्लाह माफ करे, शक्ल से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। हाँ इसीलिए तो हमें भी धोखा हुआ है ना, अब क्या बताते सबको। हाय हाय बहुत बुरा हुआ, वाकई आजकल के लड़कों का तो यही हाल है। बस इसीलिए फिरोजा हमने रिश्ता ही खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया, ऐसे लड़कों को तो बेटियां दे दो तो सारी उम्र की परेशानी गले पड़ जाती है। अच्छा सुनो फिरोजा कोई और रिश्ता नजर में हो तो जरूर बताना। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, परिया तो बिल्कुल मेरी निमरा की तरह है, मैं जरूर इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी। हाँ सही। अरे तुमने चाय नहीं पी, मैदा चाय तो दो। मूड ही नहीं हो रहा। हाँ जब मूड होगा तो आ जाऊंगा यूनिवर्सिटी। क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? दिल नहीं चाह रहा। अब उस फरिया के गम से बाहर निकल आओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सलमान, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी कि तुम हैरान रह जाओगे। ऐसा वैसा कुछ मत कीजिएगा मॉम, अभी मैं इसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूं। अच्छा तो फिर तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। चला जाऊंगा एक दो दिन। अच्छा ठीक है। वैसे सलमान उस दिन जो लड़की तुम्हारे साथ घर पर आई थी, क्या नाम था उसका? सारा। हाँ हाँ सारा। कहीं उसकी मंगनी मंगनी तो नहीं हुई? क्यों पूछ रही हैं आप? बस ऐसे ही, वो बहुत खुश अखलाक और सुगढ़ लड़की लग रही थी मुझे, उस फरिया से तो हजार दर्जे बेहतर नजर आई मुझे। नहीं कहीं उसकी मंगनी मंगनी नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है। तुम्हें अच्छी लगती है ना? अच्छा अच्छा कुछ नहीं कहती उसके बारे में, लेकिन सच बताऊं तो मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी। तुम भी जरा ठंडे दिमाग से सोचना उसके बारे में। हेलो। कहाँ बिजी थी आशी? मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा था, मैसेज भी किया, तुमको रिप्लाई नहीं कर रही थी। हाँ मैं थी कहीं पे बिजी। अच्छा वो एक्चुअली मैंने कॉल इसलिए की थी कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक पार्टी थ्रो की है, तो मैं चाह रहा था कि तुम भी साथ चलो। नहीं अली प्लीज, आज मैं कहीं और जा रही। कहाँ? है एक दोस्त, उससे मिलने जाना है, वो काफी अरसे से मुझे फोर्स कर रही। तो क्या हो गया यार, मना कर दो उसको। नहीं अली वो नाराज हो जाएगी। अच्छा तो फिर नाराज तो मैं भी हो सकता हूँ। तुम्हें तो मैं बाद में मना लूंगी ना, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाएगी, नहीं मानेगी। अच्छा अच्छा ठीक है। I'm sorry, I'm really sorry अली। चलो no problem, फिर किसी दिन चलेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। बेटा मेरा तो सर फटा जा रहा है ये बात सोच सोच के। फिरोजा को पता होने का मतलब है सारे महल्ले को पता है कि फरिया की शादी टूट गई। अम्मी ये बात छुपी थोड़ी ना रहनी थी, क्या फरिया की शादी नहीं हो रही? ये भी तुम ठीक कह रही हो, शादी वाले दिन सबको पता चल ही जाना था,
अब मैं क्या जवाब दूंगी सबको? वही जो फरीहा ने फिरोजा आंटी से कहा। क्या मतलब ये कि सलमान गलत था? बेटा इस बात को तो कोई यकीन करेगा और कोई नहीं। सबको पता है कि ताली दो हाथों से बजती है। अब ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, आप थोड़ा हिम्मत से काम ले। अरे बेटा अब जो कुछ हो चुका कहां से लाऊं मैं इतनी हिम्मत, तो मुझे एक प्याली चाय तो बना के ला दो। जी अच्छा। क्या बात है, काफी खुश नजर आ रही हो। हाँ ना, तुमसे मिलने की खुशी है। वैसे काफी दिनों से तुम्हारा बुझा बुझा चेहरा देखकर मैं भी काफी उदास हो गया था। मैं भी। तुम बहुत डिप्रेस्ड हो ना? तुम्हारी छुट्टी मांगने की वजह से। मैं भी। लेकिन अब तो खुश हो ना? हाँ अभी तो बहुत खुश हूँ।